सी क्यों है एक्चुअली आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल ही डेवलप कर जाता है सीड में, यह याद रखिएगा। और जो ओवरी होता है वो डेवलप कर जाता है फ्रूट में। तो सबसे पहले जो एक ओव्यूल का एंजियोस्पर्म ओव्यूल का है यह पॉलीमोनियम टाइप कर जाता है या आप नॉर्मल ओव्यूल है, ठीक है। ओव्यूल में आप जानते हैं ऑलरेडी कि फ्रूटिंग होता है या स्पर्म ऑफ द ओव्यूल कर जाता है, इसी फ्रूटिंग के द्वारा यह ओवरी के वॉल से अटैच करता है, ओवरी के वॉल से अटैच करता है, उसको हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा जो गद्देदार टिश्यू है उसके द्वारा यह इस स्टॉक से ओव्यूल के स्टॉक से जुड़ा रहता है और उसको हम लोग प्लेसेंटेशन कहते हैं। ओव्यूल का जो स्टॉक का फ्यूलिंग कर रहा है और ये फ्यूलिंग जो ओव्यूल के बॉडी से जहाँ अटैच होगा उसको हम हाइलाइट करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो फूड सप्लाई एंड वाटर सप्लाई मिनरल सप्लाई होता है वो थ्रू वैस्कुलर एस्ट्रेम जाता है। यही वैस्कुलर एस्ट्रेम आगे की तरफ एक बनाता है ऊपर वाला पार्ट जिसको हम लोग राइट फ्लैंक कहते हैं, जिसको राइट फ्लैंक हम लोग कहते हैं राइट फ्लैंक, वो रिलीज होता है। इसके अलावा जो पूरा बॉडी है ओव्यूल का उसको हम लोग कहते हैं क्या न्यूसिलस, उसको हम कहते हैं न्यूसिलस। और ये ओव्यूल बाहर रहता है चारों तरफ से बाय द